let me tell you one thing that we are extremely proud to tell you that we are again sponsored by one football application for this whole world cup project a huge thanks to the one football application because of whom we will be able to go to qatar and we will be able to continue making these videos so guys do us a favor and do yourself a favor do download one football application where you will be staying in touch with the latest updates about the fifa world cup all the fixtures all the lineups the match analysis the news the team sheet these statistics everything is over there on the onefootball application so what are you doing what are you waiting for scan this qr code or head into my description and download one football application from over there and messi leo messi <laughs>

वॉट हैज हैपन यार एक बुरा गेम था यार साठ मिनट तक अर्जेंटीना के अगेंस्ट एक फाइव थ्री टू का सेटअप मतलब टाटा मार्टिनो यूजली गोजना फोर टू थ्री वन या फोर थ्री थ्री का सेटअप आज उन्होंने देखा भाई लेनल मेसी ये अर्जेंटीना है उनके अगेंस्ट हमें एक बहुत ही हाईली हाईली डिफेंसिव लाइनअप में जाएंगे और वही वैसे वो सऊदी जैसा गेम की कोशिश करेंगे वो हराम खोरी करेंगे पिच पर जैसे सऊदी के प्लेयर्स ने हमारे साथ किया था एक डिसरप्टिव फुटबॉल खेलेंगे क्योंकि पता है अर्जेंटीना कैसे खेलती है अर्जेंटीना पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है अर्जेंटीना रिदम में फुटबॉल खेलना चाहती है तो अगर अर्जेंटीना का रिदम ब्रेक कर दोगे तुम तो, तो तुमने बॉल विन कर ली तुमने उनका अटैक कर दिया और तुम वापस से रीअरेंज हो जाओगे क्योंकि भाई मेक्सिको को अपलॉड करना पड़ेगा भाई वो प्ले का डिसिप्लिन रखने के लिए बिकॉज हाँ नहीं कर सकती है भाई इतना डिसिप्लिन में रहकर तुम अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा एक ना एक प्लेयर अपनी पोजीशन से ऑफ होगा एंड जब मेसी का गोल पड़ा हरामखोर वो जोन फोर्टीन के बाहर नहीं थे उनके प्लेय याद करो फर्स्ट हाफ में फाइव थ्री प्लेयर्स इन दैट जोन 40 कौन आर्जेंटीना का प्लेयर टच लिया उस एरिया में ये है मेसी के टचेस

परफेक्ट थ्रू बॉल डाल दे वो जो नहीं आ पा रही थी अब अर्जेंटीना क्या कर रही थी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए उनको विथ चाहिए तो राइट पे डी मारिया है उसको रन डालो जब वो सेंट्रल पेनिट्रेट नहीं कर पाए तो दे वांटेड टू तो गो अराउंड द डिफेंस अब अराउंड द डिफेंस जाने के लिए राइट पे आपके पास डी मारिया है तो उसको बॉल डाल दें एंड डी मारिया हैविंग अ गुड गेम भाई डी मारिया को बहुत ही खतरनाक तरीके से डिफेंड किया था बट अर्जेंटीना को कंटेन किया मेक्सिको ने पूरे फर्स्ट हाफ में इवन सिक्स मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से बट इसको करने के लिए मेक्सिको है

बिकॉज इनको पता इंडिया आडिया नहीं था अटैक कैसे करना दे हैव नॉट प्लेड इन दिस फॉर्मेशन कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोजानो को ऑन द बॉल बिकॉज जब भी, भी बॉल आ रही है मेक्सिको के पास अर्जेंटीना के प्लेयर्स चढ़ के उगे डिफेंड कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी चांसेस बनाए मेक्सिको ने अर्जेंटीना के प्लेयर्स हराम को आज डिफेंडर्स भाई एकदम सुबह सुबह भाई नमाज नमाज पढ़ गया था भैया कि आज जाके भाई जीतना है कुछ करना है भाई उठा मेंडी में से छह एरियल डूल वन बाई वन ऑफ आग दी बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच यार जो तुमने आज का गेम देखा है भाई ये अंडर रेटेड गेम जाएगा ओटामेंडिका नो बडी वुड बी टॉकिंग मैं बता रहा हूं आप कौन बात किसके बारे में बात करेंगे लिस के बारे में क्योंकि तुम्हें दिखता है दिखता है तो तुम बात करोगे भाई ओटामेंडिक अगर नहीं होता वो वन लिशांड्रो के लिए अप्रेजल से डेफिनेटली सब बात करें लिस भी करूंगा भाई अच्छा गेम ग्रेट गेम उसके बाद डिफेंस स्प्रिटिंग पासिस मैंने प्रिव्यू में क्या बोला अगर एक बंदा हमारी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा लिस होगा जो कि डिफेंस स्प्रिटिंग पासिस फेंकेगा हमें इस फर्स्ट हाफ में मौका नहीं मिला कि हम डिफेंस बिल्डिंग पास डाल पाएं बट जो अटैक बनाया यहाँ पे मेक्सिको ने जितने भी भाई तुमने मेक्सिको के प्लेयर्स देखे होंगे पिच पे भाई साहब और रहो भाई कितना चौड़ा लंबा चौड़ा हराम को मोनतेज मोरनो सारे टॉल टॉल प्लेयर्स थे इनकी टीम में दैट वर अटैकिंग हमारे सेट पीसेस पे चढ़ना वो कॉर्नर किक्स पे अटैक करना और भाई हर एक हेडर को हमारे प्लेयर्स ने डिफेंड किया ओटामंडी के वो एरियल वन बहुत इंपॉर्टेंट तो यार यू हैव टू गिव इट टू ओटामंडी फॉर द डिस्प्ले और भाई मेक्सिको पता है क्या जब वो फर्स्ट हाफ में वो जो इतना हाई इंटेंसिटी गेम जो खेल रहे थे चढ़ना है यहाँ पे मेसी के ऊपर बिल्कुल भी मेसी को स्पेस नहीं देना मेसी ने तीन से

अब देखो अगर हम पोलैंड के गेम ड्रॉ करते हैं गेम तो सऊदी और मेक्सिको के गेम में क्या होगा उससे बहुत चीज़ें डिफरेंट होगी अगर हम पोलैंड और अर्जेंटीना के गेम में अगर हम उस मैच को ड्रॉ करते हैं तो सऊदी ने अगर मेक्सिको को हरा दिया तो भाई सऊदी पहुंच जाएगी और मैं पोलैंड पहुंच जाएगी दिक्कत हो जाएगा हमें तो भाई ये नहीं करना है और एक, एक और बात मैं बता दो यहाँ पे भाई विन तो अपनी जगह है बाय हम्बल रही हो यार आराम खोरी नहीं करनी आराम को बिकॉज पोलैंड के अगेंस्ट इट वुड बी अगेन एक बहुत बड़ी फाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होगी अगेन बिकॉज हर एक टीम तुम देख रहे हो किस हिसाब से एकदम इंटेंसली प्रिपेयर करके आ रही है भाई, हर कोई टीम प्रिपेयर करके आ रही है दिन ने प्रिपेयर किया मेक्सिको आज लेकिन बात क्या है एक दो पॉकेट ऑफ स्पेस मिले अर्जेंटीना को इन द सेकंड हाफ अगर चांस मिला ओपनिंग मिली भाई गोल पड़ सकता है बिकॉज फर्स्ट हाफ काफी फ्रस्ट्रेटिंग हुआ अर्जेंटीना ने भाई उनके अगेंस्ट शॉट तक लिया ऑन टारगेट एक शॉट लिया था वो भी ऑफ टारगेट था सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है मुझे ऐसा फील होता है कि इस कलोनी की पेपटॉक थी वो बहुत फॉर्ड थी पेपटॉक की वजह से प्लेयर्स एक अच्छे लेवल पे सेकंड हाफ में स्टार्ट किए मिसी ने भी कुछ ना कुछ बातें की होंगी यार सेकंड हाफ में यार अप अपन अच्छा खेलना है ऐसा खेलना है एंड देन दिस गाइज ट्राइंग टू बिल्डअप थोड़ा सा और कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैक्सिको थक गए यार बिकॉज कितना भागोगे आराम को तुम कितना चेज करोगे उन प्लेयर्स को अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं वो जोन फोर्टी में कितने बार आप आओगे आपके तीन प्लेयर्स होने हैं वहां पे सेंटर ऑफ द पार्क में आप नहीं रख पा रहे हो क्योंकि थक के आप डीप हो जा रहे हो आप कह रहे हो चलो भाई जीरो जीरो हम देख रहे हैं ना जीरो, जीरो जीरो ले जाते हैं थोड़ा सा डीप आ जाते हैं और वही गलती की आपने एक बार आप सेटल डाउन हो गए ना तो वहां पर अर्जेंटीना को अपने गेम दे दिया ले भाई ले क्यों अर्जेंटीना क्या करेगी वहां पर मूवमेंट एलेक्सिस मेकलिस्टर अगेन बाई ग्रेट गेम गिदो रॉज मैं मैं थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडेबल है क्यों गिदो खेले इस मैच में वो डूल्स विन करना वो से स्ट्रिंग करना बट देन भाई गेम चेंज हुआ जब एंजो फर्नांडेस आते हैं पिच पे भाई व्हाट अ प्लेयर यार व्हाट अ मैजिकल मैजिकल बॉलर यार और तुमको याद होगा प्रव्यू मैंने क्या बोला था बहुत डी मारिया अब तुम अग्री करोगे मेरे पॉइंट से यार? है कि देखना प्रिव्यू जिन्होंने नहीं देखा मेरे ओपिनियन अबाउट डी मारिया आज भी ही वॉज ए वेरी गुड प्लेयर यार हम हमेशा देख रहे थे डी मारिया लूज कर रहे थे बॉल्स वो राइट एंड फ्लैंक पे उनको डिफेंड किया जा रहा था ये गेम नहीं था उनके लिए क्यों क्योंकि ना हमारी मेक्सिको की जो टीम थी दे आर स्प्रेडिंग द पिच वाइड और अपने जो फुल बैक्स का उनका इस्तेमाल करके डी डीमारे के रन को थॉट करते जितने भी बार मौका मिला डी डीमारे को रन करने का या तो उन्होंने रन डाली अगर तो सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाते उनको डिफेंड बॉल अच्छे तरीके से किया गया था बट स्टिल यार विश्वा की एक नेचुरल थ्रेट है डी मारिया एंड प्रोबेबली पोलडी गेम में अगेन वुड स्टार्ट जो भी रहा भाई है अच्छा बुरा भाई क्योंकि ये बंदा द थिंग विद दिस गाय ये एक ब्लिंक ऑफ एन में मैजिक कर सकता है लाइक मेसी ही इज ऑल्सो हैविंग दैट एबिलिटी टू जस्ट भाई भाई कुछ भी पिच पे कुछ भी बवाल कर सकता है एट एनी गिवन मोमेंट भाई पर पूरे मैच में ना अर्जेंटीना को ना चाहिए था पिच को स्प्रेड करना उनको चाहिए था कि वो स्पेसिस फाइंड करे जिसमें अर्जेंटीना अटैक कर सके क्योंकि अकूनिया लेफ्ट एंड साइड से चढ़ रहा है वो बट दागा पड़ा अपने आपको बट यहां पे जो अलवारेज जो राइट बैक है यहाँ पे आएक्स के जो मेक्सिको पे प्लेयर ही डूइंग अ वेरी गुड जॉब अगेंस्ट मैच क्योंकि जितने भी क्रॉसेस हमने डाले ना अकूनिया के लैंड नहीं कर रहे थे बट दे

मेसी का एक इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस इवन जब मेसी डीप खेल रहे थे ना ही वॉज गाय जो कि इंस्टीगेट कर रहा है हाँ हर टैकल्स में जा रहा है और भाई मेसी 18 ग्राउंड वेल कंटेस्टेट अभी तुमने मेसी को 18 ग्राउंड वेल कंटेस्टेट करते देखा एक मैच में बंदा ही वॉज गिविंग एवरीथिंग एंड आज आई वुड से भाई इवन दो कट ऑफ फ्रॉम द गेम मतलब अटैक में बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पाना बट वो मिड में आके खेलना वो लिंकअ करना वो एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करना था कि आप डीप बॉल को आगे भेज पाओ वो पिच को स्प्रेड कर पाओ पाओज ट्राइंग टू डू सेकंड हाफ में जब मेसी को थोड़ा स्पेस मिलने मिला मेक्सिको जब डीप गई मैसे कहते बस भाई अब ये मेरा मौका है बिकॉज वो जो कवर था मैसी के मैसीिकाउंड तीन मैन चढ़े हुए थे उसके ऊपर क्योंकि भाई अब वो थक चुके वो के नॉट रन एज मच एज द अर्जेंटीन प्लेयर्स क्योंकि वो कॉम्बिनेशन कर रहा है वन टच फुटबॉल खेल रहे हैं और वहाँ पर को जहाँ स्पेस मिली उसने गोल दागा और एपिक गोल था भाई और यहाँ पर कलोनी ने जो चेंजेस किए भाई ब्रिलियंट क्विल पलास को बुला कि भाई मिड में मैं स्टफ कर दूँ मैंने मिड में स्टफ कर दिया हमने एन, हमने एनजो फर्नांडिस को जो कि भाई बहुत बवाल था वो पोजीशन विन कर रहा था और जो सेकंड गोल भी हमने मारा ना उसमें भी एनजो फर्नांडिस ने बॉल विन करी थी भाई और जो गोल तो मारा ही मारा बॉल विन तक की उस बंदे ने ना जो और सब्स्यूटेशन हुए थे यहाँ पे डी मारिया को सब्स्यूट करके क्रिशन रोमर को बुलाया कि भाई हमें पे डिफेंस में एक और प्लेयर मिल जाए अब यही तो अर्जेंटीना का गेम है हम एक डिफेंसिव टीम रही भाई हिस्ट्री है अर्जेंटीना क्या जिनको नहीं पता अर्जेंटीना के साथ डिफेंसिव गेम खेलती है बहुत सुंदर फुटबॉल नहीं खेलती अर्जेंटीना अर्जेंटीना ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग गेम खेलती है बट इनकी स्ट्रेंथ रहती है इनके डिफेंस में टॉप जाके चढ़ के एक दो गोल मार देना है भाई और भाई मेस्ट्री ने अठवां गोल मार रहा है Cup, exactly Diego, मारा है इन द फीफा वर्ल्ड कप इन ट्वेंटी वन अपियरेंसेज एक्जैक्टली सिमिलर टू डी अरमांडो मारा दो ना फूफ मतलब मैं तो मैं तो पम्डअप था भाई इस गेम को देख के भाई मजा आ गया एवरी सिंगल ऑफ वन भाई प्लेड अ ग्रेट ग्रेट गेम बट यार यहां पे मैं डिसअपॉइटेड हूँ इन लुतारो मारतीनेस गेम से पहले मैं कह रहा था लुतारो मारतीस वन प्लेयर अगेंस्ट थ्री डिफेंडर्स बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि लुतारो को बॉल मिल नहीं रही थी फर्स्ट हाफ में इस बंदे के टचेस थे टेंथ एंड फिर उसको सिक्सटी थर्ड मिनट पर एक सब्स्यूट किया कोच ने एंड ही ब्रिंग्स इन जूलियन अलवारस अब जब जूलियन अवारिस आते हैं अब भाई जूलियन अवारे तो नाइन तो है नहीं वो डिफेंडर्स के एज पे तो खड़ा नहीं रहेगा अब जूलियन कहा रहेगा वो हेड ऑफ डिफेंडर्स रहेगा उसको मार्क करने के लिए एक बंदा ऑलरेडी आपको मिडफील्ड से चाहिए एंगेज करने के लिए स्पेस बनी कि नहीं बनी अब लुतारो डिफेंस में अगर है तो तीन बंदे ऑलरेडी हैं है

जब हमें पहला मौका मिला मेसी ने लिया और भाई बुंड फाड़ दिया क्या गोल था एपिक एपिक परफॉर्मेंस फ्रॉम लियो और एनजो भाई स्टार्ट करोगे तुम बताओ कमेंट में अभी लेट बी नो कि वुड यू गो गोवान टू स्टार्ट एनजो फर्नाडेस इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट पोलैंड इवन जूलियन अलवारिस नाउ अगेंस्ट लुतारो मार्थीनस क्योंकि मार्थिनस दो मैचेस में हासन प्लेड डाट गुड एंड ये वो फिक्चर्स नहीं है जिनके अगेंस्ट एक नाइन का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि भाई अगर पोलैंड भी है वो भी बैक थ्री में खेलेगी अगर तो भाई दिक्कत हो जाएगी तो वुड यू गो गोवान टू प्ले जूलियन अलवारिस लेट मी नो भाई मेकलिस्टर मेरे हिसाब से ही वॉज गुड बिकॉज कई लोग पूछ रहे होंगे यहाँ कि भाई मेकलिस्टर कैसा खेला भाई जो हमारे पास एडवांटेज मिला आज के गेम में क्योंकि ये गेम ना ऑलमोस्ट सिमिलर टू सऊदी अरेबिया वाला गेम था हमारे पास एडवांटेज क्या क्यों था हम क्यों बॉल रख पा रहे थे वी हे एन एक्स्ट्रा मिड फील्डर विथ एलेक्सेस मेकलिस्टर जो मिड में वो जो जोसेस में आना वो जो वन टच करना पिछड़ी तरीके से टर्न करना पासिस करना आई थिंक यहाँ पे मेकलिस्टर ने अच्छा काम किया इवन डिफेंडिंग वाइज ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब बट देन यार यहाँ पे जो गेम चलाया है भाई डिपॉल क्योंकि फर्स्ट डॉमर में डिपॉल हराम को इतने पासिस गिव अवे

अ गोल फ्रॉम एनजो फर्नांडिस कर्ल कर दिया भाई एंड यहाँ पे मेक्सिको के फैंस यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा हताश होंगे बिकॉज ऑन एनी अदर डे दिस गेम कुड अ जीरो जीरो ड्रॉ भाई अगर इफ इट वॉर फॉर दी मेसी मैजिक तो जो लोग पूछते हैं मेसी कहाँ है यहाँ है आपके सामने लियो मेसी, वन वन गोल, परफॉर्मेंस एंड भाई तो भाई यार इन्होंने हमारे गुट्टे मुंह में डाल दिए थे मैं सच बता भाई, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेड बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई इस हिसाब का डिफेंसिव अस्ट्यूटनेस मेक्सिको ने उन्होंने तो भाई मजा आ गया अब ये है आपके लिए लास्ट वीडियो फ्रॉम इंडिया हम हेड करेंगे कतार आज मेरी ट्रेन है बस मुझे इसके बाद बस निकलने ही गलना है। तो हम जाने वाले कतार वहां से आप लोगों के लिए बार हो जाए भाई लोग एक बार कमेंट सेक्शन में वेमोस अर्जेंटीना करके स्पैम कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है यार एंड ऐसे ही बने रहना है अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ वेरी वेरी सून से